हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं लेकर आई हूं ऐसी रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाला है। आप इसे लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप सूजी, जिसे रवा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाला सूजी लिया है और 1/2 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। जिस कप या कटोरी से आप सूजी ले रहे हैं उसी से आप दही को भी मेजर कर लें। उसका 1/2 यहाँ पर दही लेना है और नमक डालते हैं थोड़ा सा और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी और दही यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी डालकर अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमें एक साथ ही पूरा पानी नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर बैटर तैयार कर लिया है। मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करा है तो इसे हम ढक कर 1/2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम यहाँ पर स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच तेल। तेल को चारों तरफ इस तरह से फैला देते हैं और तेल के गर्म होते इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों और 1 छोटी चम्मच जीरा। इन दोनों को लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट होने देते हैं जब तक कि इनमें से अच्छा सा खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर ये पक चुका है तब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को भी हम 1/2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। प्याज यहाँ पर पक चुका है तब इसमें हम डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च। दोनों को मैंने बारीक अच्छे से काट लिया है तो इसमें हम डाल देते हैं दोनों को और इन्हें भी हम सॉफ्ट होने तक पकने देंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। हल्का सा इसमें नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसे मिक्स कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। इसे ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च और गाजर भी यहाँ पर अच्छे से पक चुका है तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। सब मसालों को मिक्स कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाए। इसे हम मिक्स कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे ढक कर। मसालों को यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल पर दिख रहा है। तो अब इसमें हम बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और धनिया पत्ता और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। स्टफिंग को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। 30 मिनट यहाँ पर हो चुका है तो बैटर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर बहुत अच्छे से फूल चुका है। इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से फेंट लिया है, तब हम इसे बनाने के लिए ले चलते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह का कटोरी लिया है जिसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। जिसमें हम 3 से 4 चम्मच इसमें डालेंगे बैटर को, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरीके से बाकी कटोरी में भी बैटर डालकर तैयार कर लेंगे। बैटर को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया तो इसे हम स्टीम करने के लिए ले चलते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है, उसके ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है। इसके ऊपर हम कटोरे को एडजस्ट कर देंगे तीनों को और इसे ढककर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट यहाँ पर हो चुका है तो ये अच्छे से पक चुका है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है तो इसे हम चाकू की सहायता से इस तरह से पहले किनारे से छुड़ा लेंगे और इस तरह से हम इसे निकाल कर रख लेंगे।
अब हम यहाँ पर इसे इक्वल पार्ट में कट करेंगे। यहाँ पर आप तेज धार वाले चाकू यूज़ करें, बहुत अच्छे से कट जाएगा। इस तरीके से हमें काट कर तैयार कर लेना है सबको। इस तरह से बाकी दोनों को भी काट लेंगे। मैंने यहाँ पर सबको काट कर तैयार कर लिया है। तब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे जो मैंने बनाकर रखा है। इस तरह से फैला देते हैं, जितना आप कम या ज़्यादा इसमें रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से, और ऊपर से इस तरह से चिपका देंगे। बाकी बचे हुए सारे इडली को भी इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी में अच्छे से स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। वापस हम इस पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को इस तरह से हम फैला देते हैं। तेल के गर्म होते इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों और धनिया पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप उसका यूज़ करें, हमारे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता का यूज़ करा है। हल्का से इसे पका लेते हैं। ये पक चुका है तो इसमें हम स्टफ किया हुआ इडली को इस तरह से डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। हम इसमें सबको डाल देते हैं और हाथों से इस तरह से प्रेस कर दें ताकि चारों तरफ बराबर कलर आए। इसी तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट पकने देंगे। दूसरी तरफ से भी इसे पलट कर हम पका लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी सबको पलट देंगे। यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है, तब इसे हम निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी टेस्टी और यम्मी लग रही है। तो आप ये अपने घर पर ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को, सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसे हम सर्व करने के लिए ले चलते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है, तो इसमें मैंने सर्व कर लिया है इसे। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।